हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 42 42 शांतिरार्जवमेव च शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं ब्रह्मकर्म स्वभावजं। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 42 समादमातपसोऽयं शांति शांतिरार्जवमेव च समादमातपसोऽयं शांतिरार्जवमेव ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं समादमस्तपशोचं शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं समादमतपशोचं शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं। ओके बढ़िया। समादमादपासोच शांतिरार्जवमेव च शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं ब्रह्मकर्म स्वभावजं। ओके नेक्स्ट। समादमादपासोच समादमादपासोच शांतिमार्गमेव च शांतिमार्गमेव च ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं ब्रह्मकर्मस्वभावजं। नेक्स्ट। समादमादपसोचं शांतिरार्जवमेव च शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं। ओके नेक्स्ट। ठीक है बात ऑनलाइन ड्यूटीज शुरू है उसको बंद कर दीजिए माइक। ऑनलाइन ड्यूटीज पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। समादमतपसोचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम दणवत प्रणम। हरे कृष्ण आवाज नहीं जा रहा क्या प्रभु? ज्ञान विज्ञान ब्रह्म कर्म स्वभावजं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। समादमस्तपसोचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। समादमतपसोचं शांतिराजवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। दंडवत प्रणाम। समादमतपसोचं शांतिराजवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। समादमतपसोचं शांतिराजवम् एव
ब्रह्म कर्म स्वभाव जन। गुड, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, तमो तमस्तपः शौचम् शान्तिराज्यवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुनो दमो तपः शौचम् शान्तिराज्यमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, समाधम तपस्वचन शांति आचरण एवच ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। और कोई? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। समाधम तपस्वचन शांति आचरण एवच ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे समहा शांति प्रियता दमः आत्मसंयम तपः तपस्या शौचम शौचम पवित्रता शांतिः सहिष्णुता आर्जवम सत्यनिष्ठा एव निश्चयः च तथा ज्ञानम ज्ञान विज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम धार्मिकता ब्रह्मा ब्राह्मण का कर्म कर्तव्य स्वभावजम स्वभाव से उत्पन्न स्वाभाविक अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति यशु भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु लिख रहे हैं क्या पढ़िए। शांति प्रियता आत्मसंयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभु हरे कृष्ण ऐसे भक्तों का स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थोड़ा सा विलंब क्लास शुरू हो रही है बट आई विल ट्राई टू मैनेज जितना जल्दी हो सके इसको हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है। भगवान ब्राह्मण के गुणों के विषय में बता रहे तो कह रहे सम का अर्थ क्या होता है? सम को अर्थ होता है मन को संयमित करना। मन में भोग की वासनाएं हैं तो मन को वहां से हटा करके कहाँ केंद्रित करना? कहाँ केंद्रित करना? भगवान में केंद्रित करना। दम का अर्थ होता है बाह्य इंद्रियों को रोकना, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों को। तप का अर्थ होता है धर्म के पालन करने के लिए जो भी कष्ट उठाना होता है वो उठाना चाहिए। शौचम आंतरिक और बाह्य पवित्रता दोनों बहुत जरूरी है। नहाए नहीं अथवा कपड़े धोए नहीं है ना, या फिर समझ रहे ये सारी क्रियाएं क्या है शौच में आ जाते हैं। अथवा ऐसे कपड़े पहनना जो शरीर के लिए फिट ना हो जैसे जीन्स। गुड, नहीं बोल रहे आप? ओ माय गॉड, खुद ही बोल रहे हैं जीन्स और शर्ट है ना। ठीक है, तब तो बाहर लाइफ में रहने तो करना ही पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना पड़ता, लेकिन जितना फ्रीली मैं महसूस कर रहा हूँ उतना फ्रीली तो आप लोग नहीं महसूस करते होंगे। ब्राह्मण के कर्तव्य नहीं है किस प्रकार से कुछ पहन के घूमना, ये नहीं। ठीक है, अब मेटेरियल लाइफ में एक अलग बात है कि ऑफिस जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो पहन के जाना ही होता है, लेकिन मेटेरियल नहीं पहनना चाहिए। क्यों पहनेंगे? इससे भगवान तो बहुत प्रसन्न होते होंगे आप जब जीन्स और शर्ट पहनते होंगे, है कि नहीं? आप क्या पहने? ओ ये तो भगवान का फेवरेट ड्रेस है, जैकेट बटन खुला हुआ अंदर टी शर्ट जीन्स। वाह, oh my god, my devotee is coming, Krishna is coming like this, oh kisan, I was waiting for you man, like this, so aisa nahi hai na, lekin jab wo dekhte oh my god, Ajit is wearing dhoti kurta, wow how handsome he is looking, hai na, to bhagwan is prakar se dekhte hai, samajh rahe hai, ye chain utna prasanna nahi karta bhagwan ko, kanthi rahe to wow, है ना, इज लुकिंग सो स्मार्ट, समझ रहे हैं? तो ये भगवान को पसंद करती है,
पसंद करते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें सोचम के अंदर होंगे। तपा, तपा का अर्थ होता है धर्म का पालन करने के लिए जो भी कष्ट उठाना हो उसे उठाना चाहिए, ठीक है। जैसे एकादशी का पालन करना हमारा धर्म है, कि क्या है, धर्म है। अब उसका पालन करने में अगर कुछ कष्ट आ जाए तो उसको उठा लेना चाहिए। सवेरे 16 माला जप करना हमारा धर्म है कि नहीं है, हाँ धर्म है। अब उसको पालन करने में क्या कठिनाई आती है, प्रभु जी कंबल कंबल सवेरे सवेरे बोलता है, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके, देखो मैं कितने अच्छे से तुम्हारे साथ सोया हुआ, है ना, सो जाओ, देखो अंदर कितनी गर्मी है, बाहर कितना ठंड है, कहाँ जाएगा तू, सो जा, हम भी कंबल की बात सुनते हैं और घुस जाते, सही बोल रही है तू अंदर घुस के सो जाते हैं, लेकिन उस समय कंबल को हटा करके धर्म का पालन करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, तुरंत कंबल फेंक देना चाहिए, गुड ओके ठीक है। तो धर्म का पालन करने में, मैं भक्ति के संबंध में बोल रहा हूँ, जो बाधाएं आती है, अथवा अरे प्रभु जी आज मैं 150 किलोमीटर दूर गया था बाइक लेकर के, तो कैसे आऊंगा, मैं तो बहुत थक गया हूँ, तो ये सारी बाधाओं को क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। किसके लक्षण है, ब्राह्मण, क्या प्रभु जी मेरा बाल बहुत दर्द कर रहा है, आज क्लास में नहीं आऊंगा, तुझे नाखून बहुत दर्द कर रहा है, आज जप नहीं करूंगा, तो ये सब ब्राह्मण के कर्तव्य नहीं है, ठीक है। सोचा मतलब समझाई दिया आपको, आंतरिक और बाह्य शुद्धता, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि आप ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं सिला हुआ कपड़ा पहन करके, बहुत बड़ा ऑफेंस है, जितना सिला हुआ है ना उसमें क्या कहते हैं, उतना फोड़े या किसके लिए रेडी रहिएगा, समझ रहे हैं ना, जितना सिलाई है आप ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं उतना आप रेडी रहिए लेने के लिए, ठीक है। So that's why people should wear. प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम नहीं पहने सिग्नल का कपड़ा उस समय, एटलीस्ट डिटीवर्स के समय, आयंद्र प्रभु कभी जीवन में ही नहीं पहने, कैन इमेजिन दिस, कभी नहीं पहने आयंद्र प्रभु, तो ये तो उनकी स्थिति थी। छान तो ठीक है, अब नहीं करें आगे जानने के बाद, ठीक है। शांति रार जब, शांति मतलब टॉलरेंस है ना, मतलब सत्यनिष्ठा है ना, एक सिंपल शांति राजा, आर्जो मतलब सत्यनिष्ठा, एक सिंपल जीवन है ना, बहुत ज्यादा धूम धड़ाक नहीं, बहुत ब्राह्मण का सिंपल जीवन होता। ज्ञानम, ज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान है ना, ये सब टीका में देखेंगे। विज्ञानम और आस्तिक्यम, विज्ञानम आस्तिक्यम, विज्ञान मतलब हो गया, देखेंगे सब टीका में, और आस्तिक्यम मतलब ब्रह्म पर विश्वास, ब्रह्म कर्म स्वभावसम, यह सब ब्राह्मण के स्वाभाविक क्या है, कर्म है, स्वभाव से उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं, मतलब ब्राह्मणों के लिए बड़ा आसान होता है सब कार्य करना, बड़ा आसान लगता है उसे, अगर हमसे कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब सोचिए कि हमें ब्राह्मण के गुण नहीं है। एंड फॉर वॉट आई एम ट्रेनिंग यू हियर, मैं किसके लिए आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, यहाँ पे किस चीज बनने, क्या बनने के लिए, शुद्र बनने के लिए, क्या बोल रहे हैं, शुद्ध ब्राह्मण, ब्राह्मण बनने के लिए। तो ट्रेनिंग में कपड़ा भी आता है, ओके, कपड़ा अगर नहीं पहन रहे तो आप जान रहे हैं, जैसे पुलिस कपड़ा नहीं पहन के घूमेगा तो उसका क्या वैल्यू है, वही पकड़ के दो थप्पड़ दे देगा, राइट ना, हाँ, और अगर वही पुलिस कपड़े में है तो वही दो थप्पड़ दे देगा, गेटिंग, कपड़ा बहुत मैटर करता है, ध्यान रखिएगा, पोशाक ऑलवेज मैटर, इसलिए पोशाक अच्छे पहनने चाहिए। ऐसे लगता है कि मैं आप लोग को अच्छा नहीं दिखता होऊंगा, धोती कुर्ता नहीं लगता, थोड़ा ओल्ड लगता हूँ ना, बूढ़ा बूढ़ा टाइप का, लेकिन माई सेल्फ आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, मैं जब धोती कुर्ता में तो बड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है, विश्वास करिए मुझे, बड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है, कहीं पे भी जिनसे मुझे इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, कभी नहीं फील होता, जो मुझे धोती कुर्ता में एक पता नहीं क्या शक्ति मुझे फील होती है,
कमाल कर सकते हैं। जींस पैंट पहन पहन करके मैं तो कहीं जाना ही नहीं चाहता, फुल पैंट पहन करके कहीं नहीं जाना चाहता जनरली, बस धोती कुर्ता आपने देखा भी होगा, वैसे कभी पहनने की इच्छा नहीं होती है, अब मजबूरी होती है तो अलग बात है। चलो ठीक है, गीता भूषण टी का देखते हैं, काफी समय लग जाएगा। यह श्लोक ब्राह्मणों की क्रिया, अच्छा कितना अच्छा लगेगा ना कि मैं जींस पैंट और एक गोगल्स पहन के यहाँ से लेक्चर देता, ऊपर से कोई हो गया कहते काबॉय वाला हैट लगा लेता कैसा लगता मैं, लाइक अ जोकर, और दो चार चैन यहाँ पे कड़े वाले लाइक अ जोकर ना, मतलब कपड़े का बहुत महत्व है। तो मैं इसलिए कुर्ता ले रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ माता जी और प्रभु जी दोनों IIT के लेक्चर में नाम बोल रहा हूँ, तो छोटा सा किचन, आपका किचन बहुत बड़ा है, इससे हाफ किचन है, और वहाँ पे 30 लड़के रहते हैं, 30 नीचे लड़के नीचे रहते हैं, माता जी प्रभु जी ऊपर रहते हैं, एंड दे आर नॉट अलाउिंग एनी वन इन किचन ऑल्सो, कोई मतलब धोती कुर्ता छोड़ करके अन्य कुछ पहन करके किचन भी नहीं जा सकती, इतनी शुद्धता मेंटेन करते हैं, समझ रहे हैं, बहुत मैटर होता है ये चीज़ें, तो इसलिए बहुत जरूरी है। यह श्लोक ब्राह्मणों की क्रियाओं को वर्णित करता है जो उनके पहले के संस्कारों के द्वारा उद्भूत होती है, मतलब है वो पिछले जीवन में इस प्रकार के कर्म किए हैं तो वह कंटिन्यू कर रहा है। अब जानते हैं कि जन्म जन्मांतर से हम अपने संस्कारों को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना, जन्म जन्मांतर से। अब ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले आ रहे भगवद गीता क्लास में तो बस, ये एक बहुत बड़ा प्लानिंग है मेरा नहीं कृष्ण का, ये तो आपके साथ कितने लड़के आए थे, 3 आए थे, उससे पहले कितने लड़के आए थे, 6-7, है ना, और आप एक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये आपका भी प्लान नहीं है ना, मेरा प्लान है, दिस इज प्लान ऑफ कृष्णा। इनके साथ 10-20 लड़के, 50-60 लड़के आते हैं, 2 लड़के कंटिन्यू कर रहे हैं, एक देखो हीरो बन के घूम रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ये प्लानिंग है कृष्ण का। मनुष्यानाम शास्त्रेषु बहुत, 1000 में से एक ही व्यक्ति निकलता है, समझते हैं, मनुष्यानाम शास्त्रेषु 1000 में से एक ही व्यक्ति। इसीलिए अगर आप भक्ति कर पा रहे, गीता सुन पा रहे, तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझो, बहुत फॉर्चुनेट, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मतलब ये पूर्व से ही कैरी कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है ना भगवद गीता, इसका मतलब है कि आप पूर्व से ही इसको कैरी कर रहे हैं, समझ रहे तो ओके। उसकी क्रियाएं हैं अंतःकरण अर्थात आंतरिक इंद्रियों को, आंतरिक इंद्रियों को नियंत्रण करना अर्थात समूह। आंतरिक इंद्रियां क्या है, मान बुद्धि अहंकार चित्त, इसको कहां लगाना, भगवान में। मन कहाँ जा रहा है, भोगों के पीछे, उसको उठा कर कहाँ लगाना, भगवान में। वाओ हाउस कितनी ब्यूटीफुल है, कौन, राजा रानी, ठीक है चलो देख लिया बोल दो ठीक है, लेकिन कौन, राजा रानी, ठीक है ये इतना खराब दिख रही तो राजा रानी कितनी, मतलब ये ठीक है ये देखने में इतनी अच्छी लगी तो राजा रानी कितनी लग रही होगी, समझ रहे हैं, तो वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस लाइक दिस। कुछ खाने की इच्छा हो रही है ब्रोजी, थोड़ा कुछ है ना, रोल और व्हाटएवर नूडल्स, देन मेक सम प्रसाद, नूडल्स बनाइए, बिरयानी बनाइए, व्हाटएवर यू वांट, बट इट शुड बी व्हाट, प्रसाद कृष्ण को ऑफर होना चाहिए, समझ रहे हैं, तो सब अपने इंद्रियों को आंतरिक, ये आंतरिक और बाह्य दोनों ही कंट्रोल हो गए इससे, ठीक है। बाह्य इंद्रियों को नियंत्रित करना अर्थात दमा, समा मतलब क्या हो गया, आंतरिक इंद्रियां, क्या क्या, मन बुद्धि अहंकार, और बाह्य मतलब जो हमारा आंख नाक कान, ये पांच ज्ञान इंद्रियां जो है, और पांच इंद्रियां कर्म इंद्रियां, इनको संयमित करना, ठीक है, शास्त्रों में वर्णित है। अब जानते हैं किस प्रकार से करना चाहिए, हम लोग बहुत प्रयास करते हैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का, लेकिन ये भटकते ही रहता है, और ये भटकेगा इसमें कोई संदेह नहीं है, बड़े से बड़ा थोड़ा सा जहाँ घमंड होने लगा ना, बड़ा अच्छा है। एक वीडियो देखा था मैंने कि माया देवी कैसे अटैक करती है सोनाक्षी माता जी सेड है ना, वो पैक 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 कर रहा था, और उसको मगरमच्छ था, और एक व्यक्ति खड़ा था, और जाकर उसको छूता था, भागता था, देख देख मैं माया से फ्री हो गया, देख 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 देख, फिर छूता था, फिर भागता था, देख देख माया से फ्री हो गया, देख देख माया से फ्री हो गया, मैंने कहा गप, बड़ा मजा आया मुझे देख के
ऐसी हमारी स्थिति होती है कभी कभी, हम सोचते हैं अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और फिर देखो खत्म। ओके तो इस प्रकार से संयमित करना चाहिए, जैसे आप वो स्मेल करते हैं, अभी तो नहीं है लेकिन सवेरे देते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और एक वो डीओ वो मारते हैं तो कितना खराब मन कर देता है ना, कभी कभी तो मेरा हेडेक हो जाता है मुझे, एक सर्दी हो जाती है मुझे नहीं, लेकिन उससे क्या होता है हमारा पूरा सेंसेस इंटरनल, आप देखते हैं ना वो श्वास लेता फील करेगा हृदय तक हो जाता है, देखा है हा? तो पूरा शुद्ध कर देता है, इसलिए करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित कष्टों को शरीर के द्वारा सहन करना अर्थात तपः, क्या कह रहे हैं शास्त्रों में वर्णित कष्टों को शरीर के द्वारा सहन करना अर्थात जैसे कि मंगला आरती करना, जप करना, सामान्यतः यह सब किसके कर्म है, ब्राह्मणों के कर्म है, है ना। अब हर व्यक्ति से आप यह उम्मीद नहीं रख सकते कि 4:30 बजे मंगला आरती है लेकिन चलिए 6:30 बजे हो रहा है, 7 बजे हो रहा है और घर मेरा 1 किलोमीटर दूर है, हम आ सकते हैं, आ सकते कि नहीं आ सकते बताइए, आ सकते कि नहीं आ सकते, हंसना नहीं है मैं हंस नहीं रहा हूँ, आ सकते कि नहीं आ सकते, लेकिन हम आएंगे नहीं, फिर ये ब्राह्मण के लक्षण नहीं है। लेकिन ब्राह्मण का क्या लक्षण है, 5 किलोमीटर दूर भी है तो भी मंगला आरती अटेंड करने के लिए जाएंगे, है ना। हम लोग कुछ लोग वहां पे ठंड में पटना में गए थे ना मंगला आरती अटेंड करने के लिए, इतनी ठंड में, ठंड में लोग भागते भागते कम से कम मंगला आरती अटेंड कर लें, समझ रहे हैं ये बहुत जरूरी है। तो यह सब ब्राह्मणों के लिए है, जप करना समझिए सब ब्राह्मणों के लिए, ऐसा हर एक व्यक्ति से उम्मीद नहीं रखा जा सकता। अगर आप कर रहे हैं आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इट मींस यू हैव द गुण ऑफ ब्राह्मणस, ठीक है। पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कर ले या हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, कुछ को ऑफिस जाना होता है, कुछ को बिजनेस में जाना होता है, लेकिन कम से कम गृहस्थ जीवन में ये तो उम्मीद किया जाता है कि वो मंगला आरती करे और जप करे, बाद बाकी भागवतम क्लास और अन्य सेवाएं अगर नहीं भी कर सके कम से कम ये दो चीजें तो करनी चाहिए, मंगला आरती जब संभव हो तो भागवतम क्लास, ये तीन चीज करना चाहिए, ठीक है। भागवतम क्लास अभी तुम लोग नहीं ले पा रहे लेकिन करते ही है, जब करते थे तो ठीक है। सारा कुछ ना भी करे और कम से कम इतना भी अगर ना हो सके तो कम से कम जब तो जरूर कर लेना चाहिए, 11:30 सवेरे कर लेना चाहिए, ठीक है। या फिर जैसे 3 बार स्नान करेंगे, ऐसा सबके लिए संभव है, नहीं है, है ना। प्रोजी हम लोग 3 बार स्नान करेंगे सप्ताह में आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला तो वो दिन मैंने पूछा कब स्नान किया था आपने, यही 3-4 दिन हुआ है God. I was sitting beside him. प्रोजी क्षमा करो समझ रहे। तो हमें ब्राह्मण के कल्चर को डेवलप तो कम से कम करना चाहिए, कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए, ठंड है तो कम से कम तो सवेरे स्नान कर लें, वेट नहीं करें सवेरे उठ करके। तो ऐसा नहीं कि प्रोजी हाँ प्रोजी हम लोग भी 2 बार स्नान करेंगे, कब, सप्ताह में या फिर महीना में, नहीं ये नहीं करना चाहिए। बाह्य और आंतरिक स्वच्छता धारण करना अर्थात शौचम, प्रभात जी बोलते थे शौचम, देखिए शौचम का अर्थ कितना सुंदर है, प्रभा जी बोलते थे विदेशों में कि तुम लोगों के पास इतना कपड़ा है लेकिन फिर भी रोज वही पहनते हो, भारत में व्यक्ति के पास एक ही धोती कुर्ता होता है तो उसको धोते हैं, गमछा पहनते हैं, फिर सुखाते हैं उसको, फिर उसको पहनते हैं, लेकिन धो करके पहनते हैं, धुला हुआ पहनेंगे। जनरली हम लोग के पास भी 2 ही होता है ना धोती कुर्ता, धोते हैं ना डेली उसको, है ना, धोना चाहिए कपड़े को, बिना धोए नहीं पहनना चाहिए, एक, एक, एक चेतना नहीं बन पाती है, ये स्वेटर डेली नहीं धुल पाता है। तो खैर ऊन और रेशमी वस्त्र ये अपवित्र नहीं होते किसी भी कंडीशन में, ऊन रेशमी वस्त्र कंबल ये सारे कुछ कभी पवित्र नहीं होते, ठीक है। रोज साफ पहनना चाहिए और कर्मी जीवन वही देखिए 10-15 सेट है लेकिन फिर भी वही पहन लिया और सेंट उन मार के। एक व्यक्ति एक लड़का था आया था, उस सेंटर इसलिए छोड़ करके चला गया क्योंकि उसको स्नान करने के लिए बोला था मैंने प्रोजी मेरा तबीयत खराब हो गया था स्नान करने से, मैंने देखा कुछ भी नहीं हुआ, फिर 3 दिन के बाद प्रोजी हरे कृष्णा तो अब यह तो भक्तों से संभव नहीं होगा ना, है ना। तो मतलब उसमें गुण नहीं है, जैसे
वैसे ही भाई लैट्रिन इत्यादि करके वैसे ही रह जाए तो यह भी संभव नहीं होता है। उठकर हम क्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं ना तुरंत, और तुरंत स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं ना। सवेरे उठकर लोग सोचते हैं कि अरे कुछ लोग गर्मी जनों क्या सोचते हैं, थोड़ा चाय हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा हो जाए, थोड़ा धूप सेक लें, थोड़ा तेल लगा लें, फिर स्नान करेंगे है? अरे फिर सोचते हैं बाथरूम से आ करके, अरे परसों ही तो स्नान किया था, साफ ही लग रहा है, छोड़ देता हूँ, धूप कब निकलेगी। तो ये सब विचार ब्राह्मण कभी नहीं करता है, कभी नहीं करता है। वो डायरेक्टली क्या करता है, अटैक, कहाँ पर, बाथरूम। ठीक है, तो जो लोग शुद्ध ब्राह्मण बनना चाहते हैं, शुद्ध बोल रहा हूँ, शुद्र नहीं बोल रहा हूँ, शुद्ध ब्राह्मण बनना चाहते हैं, तो उनको नहाने से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, अब जैसे गुरु महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नहाने से, और क्षत्रिय युद्ध से डर गया वो तो नरक में गया, वो तो मतलब उसका जीवन वो क्षत्रिय ब्राह्मण है ही नहीं। बीमार है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी हमसे तो बीमारी में भी बिना नहाए नहीं रहा जा सकता है, नहीं रहा जा सकता है। सहनशीलता होना अर्थात शांति, किसी ने अपमान कर दिया तो उसे क्या करना चाहिए, सहन कर लेते हैं। सरल व्यवहार अर्थात जो कुटिलता से रहित हो, अर्थात आर्जवम, जैसे कि आप द्रोणाचार्य जी को जानते हैं कि वह जानते थे कि धृष्टद्युम्न उनको मारने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको सारी विद्याएं सिखाई, कुछ और किया था, सब कुछ सिखा दिया, तो इसको कहते हैं आर्जवम। उच्च और निम्न जीवन की अवस्थाओं को की शास्त्र से समझावट होना अर्थात ज्ञान, मतलब एक भय कि भाई यह कार्य करेंगे तो यह तमोगुणी कार्य है, इससे व्यक्ति क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, समझ रहे हैं, यह कार्य सतोगुणी है, इसे करने से ऊपर उठूंगा। तो यह ज्ञान ब्राह्मणों को होता है, भक्तों को यह ज्ञान होता है। सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया जो शास्त्र में बताई गई है उसका अनुभव करना अर्थात विज्ञान, ये बहुत बहुत सुंदर है। क्या मतलब हुआ इसका, भक्ति का अनुभव करना, भक्ति से अच्छी प्रक्रिया तो कुछ है नहीं। भक्ति करके भगवान में चित को लगा करके व्यक्ति को जो सुख मिलता है वह जो अनुभव करता है उसको विज्ञान कहते हैं, समझ गए। एक हो गया ज्ञान कि भाई हाँ वह करना चाहिए, उसे सुख मिलता है, और जब वह व्यक्ति उसको करता है और जो सुख मिलता है तो वह हो गया, वह जो अनुभव हुआ वह क्या हो गया, विज्ञान, समझ रहे हैं। एप्लीकेशन करने से जो अनुभव मिला वह अनुभव विज्ञान हो गया। जैसे हम लोग लेमन राइस बनाए, अच्छा बना था, मैंने बोला अच्छा बनाए, आप लोगों ने जब खाया तब कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो वह बहुत अच्छा लगना क्या हो गया, आप मिस कर गए, आपके लिए रखा था हम लोगों ने, लेजीनेस। ओके तो समझ रहे हैं, तो ये हो गया विज्ञान। वही बात है, हरे कृष्ण महामंत्र है, सब कुछ है, लेकिन जब जब करता है तब उसको अनुभव प्राप्त होता है, तो उसको कहते हैं विज्ञान। जो सत्य शास्त्र में वर्णन किया गया है उस पर दृढ़ श्रद्धा अर्थात आस्तिक, यह बहुत सुंदर बात है। आस्तिक होने का अर्थ क्या होता है, आप लोग क्या जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आस्तिक, बताइए बताइए। जो भगवान पर विश्वास रख, जनरली हम यही जानते हैं। क्या हो जाना, हाँ यस गुड पॉइंट, हम लोग क्या जानते हैं, जो भगवान के ऊपर विश्वास करे वो आस्तिक है, लेकिन जनरली ये नहीं है, जनरली ही जानते हैं। आस्तिक का अर्थ होता है वेद पर विश्वास करना, शास्त्र पर विश्वास करना, बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, हम लोग क्या कहते हैं सतोगुणी होते जाएंगे, वैसे वैसे शास्त्र के वचन पर हमारी श्रद्धा और क्या होती है, स्ट्रांग होती जाएगी। लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी कैसे विश्वास करें कि एक नाम जप करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसका मतलब है कि श्रद्धा नहीं है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव चित पर पड़ा है, है ना। जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे जैसे सतोगुण बढ़ेगा, सहज रूप से भागवत में आचार्यों की बातों में सहज श्रद्धा होती है,
है ना, वो दिखने भी लग जाता है जगत में, जो बोल रहे हैं दुनिया दुखों का घर है, ये सब दिखने लग जाता है ना। यस, जो सत्य शास्त्र में वर्णन है वो यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब भी देखना पड़ेगा कि कुछ मनगढ़ंत शास्त्र है शायद से वो कहना चाह रहे हो, जो सत्य शास्त्र है, या फिर कुछ मनगढ़ंत शास्त्र होते हैं जैसे अब जानते हैं लोग आजकल भी लिख देते हैं जैसे आशा रामायण तो ये सब मनगढ़ंत शास्त्र है, वो सबसे बचना ठीक है। जैसे आज मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति रिटायर कर रहे हैं, तो उन्हें बोला कि चलो भाई अब आप रिटायर कर ही रहे हैं, 60 साल हो गए आपको, 51 में ही चले जाना चाहिए था वृंदावन, चलिए हम आपको छोड़ देते हैं वृंदावन। एंड वही व्यक्ति, मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि वो व्यक्ति जब मैं तुलसी पहना था ना तो मुझे उन्होंने टोका था, अरे अभी आप पहन लिए तुलसी, बहुत शौक हो गए। तो मैं बोला चलो अब आज थोड़ा सा कुछ किया जाए, तो थोड़ा खतरों से खेलते हैं किसी कर्मी व्यक्ति को छेड़ना अभी डायरेक्टली संन्यास के लिए, वानप्रस्थ के लिए, ये खतरों से खेलने से कम नहीं है, समझ रहे हैं ना, एकदम कम नहीं है किसी कर्मी व्यक्ति को छोड़ना। मैं बोलता चलो वृंदावन पहुंचा देता हूँ आपको, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी हम कहाँ जाएंगे और मैं ऐसे भी व्यक्ति को जानता हूँ जो रिटायर हुए और दूसरे दिन मर गए, हमने देखा है हमारे जीवन में बड़ा निश्चितता से आए, कल रिटायरमेंट हो रहा हूँ, मैं बोला चलो अच्छा है अब आप आराम से रहिएगा, और मैं दूसरे दिन सोचता हूँ कि मर गया अब समझ रहे हैं मेरी बात को, तो अगर मर गए तो कहाँ जाएंगे। उन्होंने बोला कि अभी कहाँ जाऊंगा, अभी मेरा तो भी, मैं सोचा कि अभी जन्म हुआ है क्या मैं पूछ रहा था, तब तक तो बहुत सारे लोग आ गए, अरे कहाँ लेकर के इसको भेज रहे हैं, अभी तो उनका जीवन शुरू हुआ है, अभी भोग करेंगे ये करेंगे। बोला अच्छा ठीक है ओके, जाने तो मेरी गलती है तो समझ रहे उनको शास्त्र, मैंने बोला कि शास्त्र में लिखा है कि एकावन में जाना चाहिए, उनको कोई विश्वास नहीं है शास्त्र पे, यहाँ पे इतना जमीन है उसको कौन यूज करेगा ओके तो समझ रहे हैं, तो उनको श्रद्धा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ेगा सहज रूप से, फिर तो मुझे कुछ कुछ उदाहरण देने लगे, जानते हैं ना, मन रंगाए जोगी चंगा और ना जाने क्या क्या बताया उन्हें, रंग रंगाए कपड़ा रंग, क्या कहते हैं उसको, नहीं वो तो बोला ही, क्या बोलते हैं उसको, अरे मन रंगाए कपड़ा रंगाए जोगी दाढ़ी बढ़ाए जोगी मन चंगा और क्या क्या बताया लेकिन वो मुझे इस प्रकार से बोलने लगे, तो मैं बोला ठीक है छोड़ो जाने दो अभी क्या बोलूंगा, तो फिर बहुत ज्यादा मैं बस नहीं करता, खाली थोड़ा सा पिंच करके निकल गया क्योंकि उन्होंने किया था थोड़ा खतरों से, बोलते जैसे मधुमक्खी का छत हो वहां पे उंगली को डालते तो लोग आठ दस बैठे थे, मैं गया जस्ट ऐसे करके पिंच किया और निकल गया खतरों के खिलाड़ी तो जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ेगा, और वो लोग सब मतलब जैसे मधुमक्खी होता ना, मधुमक्खी को आप छूने से कैसे लूच लेता है, वैसे लूच लिए मुझे, मैं समझ गया कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, आई शुड नॉट डिस्टर्ब भैया, तुरंत मैंने कर लिया थोड़ा देर बैठा इतना जल्दी तो भागने वाला नहीं था, थोड़ा देर दिया भी मैंने, लेकिन सब लोग लूजने लगे तो मैं समझ गया लेट्स गो आउट, तो मैं चला गया, मेरे को बहुत काम है, आप लोग गप करो अब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में किस प्रकार से होता है तो विश्वास नहीं होने के कारण रजोगुण तमोगुण का चित्त प्रभाव पर होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ेगा सहज रूप से भागवत में आचार्यों की बातों में श्रद्धा, सहज श्रद्धा दिखाई देती है, वो दिखने भी लगता है जगत में, है ना, कि दुनिया दुखों का घर है, अविश्वास की कोई बात नहीं, जो कह रहे हैं प्रभुपाद जी, आध्यात्मिक जगत ऐसा सत्य है, जैसे चंद्रमा सत्य है, जैसे सूर्य सत्य है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत भी शुद्ध है, सत्य है ना, भगवान का धाम है, और हम विश्वास करने लगते हैं हाँ भगवान का धाम है, वैकुंठ है, आप लोग महसूस भी करेंगे, बार बार श्रवण करने से सहज विश्वास होने लगता है। जैसे वृंदावन में कोई कीड़ा भी मरता है तो आप जानते हो उसे भगवत धाम मिलता है, यू नो दैट, है ना, तब धोती कुर्ता एक कल से एकदम मत खोलना, अगर वृंदावन जाना है तो कभी मत खोलना, सो भी पहन करके, ठीक है, दो चार में स्पॉन्सरशिप करा दूंगा, आप लोग धोती कुर्ता स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं ना हमारे बच्चों के लिए, व्हाई नॉट,
वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, सो यू जिनको भी इच्छा है वो कर सकते हैं, नो इशू. ठीक है, अगर इनके पास मल्टीपल होंगे तो आराम से ये पहन सकते हैं. ठीक है, तो धीरे धीरे विश्वास होने लगता है. बिकॉज देखिए पोलिप्रो जी, आप मांग रहे में क्योंकि दे आर स्टूडेंट्स, सो दे आर गेटिंग वेरी लिमिटेड मनी टू स्टडी, यू नो, दैट्स वाई. सो बेटर वी शुड स्पॉन्सर्स, मैं तो करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट. तो धीरे धीरे करके शास्त्र पे विश्वास होने लगता है. जैसे वृंदावन में कोई कीड़ा मरता है तो हमें सहज विश्वास हो जाता है, हाँ भगवत धाम जाता है. जनरली विश्वास नहीं होता है लेकिन श्रवण करने से हो जाते हैं. वही हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ, वही सुलभ. अब हम वही हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं और वही सुलभ प्रपात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है. समझ रहे हैं, विश्वास में अंतर है. हृदय की शुद्धि की वजह से, हृदय की शुद्धि कैसे हुई, उनकी भक्ति करने से. तो जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे, भक्ति पर विश्वास बढ़ता चला जाएगा और उससे अधिक फल प्राप्त होता जाएगा. ये बहुत अच्छा शब्द है आस्तिक्यम. गुरु महाराज से एक बार कृष्ण प्रभु ने पूछा कि महाराज हम यह कैसे समझे कि एक नाम से सारे पाप नष्ट हो गए. तो महाराज थोड़े क्रोधित हो गए. प्रभु जी बोलते महाराज गुस्सा गए और महाराज थोड़े क्रोधित होकर के बोले, अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं, शास्त्र में लिखा है ना, हम समझ रहे हैं. महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब शास्त्र पे महाराज का सहस्त्रता है और हमारा नहीं है. हम सोचते अरे एक नाम में कैसे खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान का हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्णा, पूरा महामंत्र मत बोलिए, हरे कृष्णा, खत्म. ठीक है, क्योंकि उनका ऐसा वो शुद्ध भक्त है तो सहस्त्रता है, इसलिए बार बार सुनना चाहिए. क्योंकि हमें डाउट हो जाता है, डाउट ही मार देता है, लेकिन जब बार बार शास्त्र को सुनेंगे समझेंगे तो फिर डाउट नहीं मारेगा. जो सत्य शास्त्र में, अच्छा आस्तिक्यम तक पढ़ लिए ना हम लोग. सत्य है कि भगवान हरि भी हरि ही सभी वेदों के द्वारा जानने के उद्देश्य है. अब जानते हैं वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को समझना है. वही सभी कारण है, जो भी नियत कर्म है उसकी उनकी ही पूजा होनी चाहिए. भक्ति के द्वारा वे ही संतुष्ट होना चाहिए और व्यक्ति को सब कुछ, यहाँ तक कि स्वयं को भी भगवान को समर्पित करना चाहिए. यह सारी क्रियाएं ब्राह्मण के कार्य है जो उनके पहले के संस्कार के कारण प्रकट होती है. अद्यपि ऐसे कार्य कभी कभी क्षत्रिय और अन्य वर्णों में सतोगुण की वृद्धि के कारण प्रकट हो भी जाते हैं, तो इनको ब्राह्मणों के संबंध में बताया गया है क्योंकि उसमें सतोगुण की प्रधानता होती है. इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया है, मुख्यता क्या होता है, मुख्यता ब्राह्मणों में सतोगुण की अधिकता होती है ना. और कभी कभी किसी क्षत्रिय में या फिर वैश्य में यह गुण बढ़ जाएंगे तो फिर वह यह गुण प्रकाशित होने लगेगा. ठीक है, पुराण विष्णु पुराण में कहा गया है, क्षमा सत्यम दमा शौचम दानम इंद्रिय संयम अहिंसा गुरु शुश्रूषा तीर्थानुसरणम दया आर्जवम लोभ शून्यत्वम देव ब्राह्मणम पूजनम अन्वेषूया च तथा धर्म सामान्य विष्णु उच्यते. विष्णु स्मृति 2.16.17. क्षमा शीलता सत्य निष्ठा इंद्र संयम स्वच्छता गुरु की सेवा करना अहिंसा तीर्थ भ्रमण दया सरलता लोभहीनता देवताओं की और ब्राह्मणों की पूजा करना ईर्ष्या से रहित रहना यह सब ब्राह्मणों के सामान्य गुण है. सामान्य गुण है मतलब क्या है कि अन्य वर्णों में भी कदाचित पाए जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः यह गुण किसमें पाए जाते हैं, ब्राह्मण में. अब ये नहीं कह सकते कि उनमें नहीं पाया जा सकता है. जैसे विश्वामित्र जी क्या है, क्षत्रिय है. ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा अपने मन में, मेरे में यह गुण है कि नहीं. प्रोजी सहनशीलता तो हम में बहुत है, आप बहुत बोलते हैं लेकिन हमको कुछ नहीं होता है. कुछ होना चाहिए, कुछ होना भी चाहिए, करना चाहिए उसको अप्लाई. ठीक है, तो चेक कर लीजिए, अपना अपना मन देखना चाहिए. अब ऐसा मत कहना कि हम भी है ना, ये दिखा करके कहाँ गया, कहाँ गया. ये दिखा करके हम भी ब्राह्मण है, 25 पैसे की ये धागा लगा करके सीने पे, देखो 25 पैसे की धागा लगी हुई, हम भी ब्राह्मण है ना, ये मत कहे ना. ठीक है, और दिखा रहे. अच्छा, कल मंगल आरती में प्रोजी कल नाखून दर्द कर रहा था, करेगा मेरा. अभी से ही प्लान बन गया. तो फिर काय का ब्राह्मण, अगर मंगल आरती में आने में दर्द हो रहा है, सवेरे उठने में शरीर दर्द कर रहा है, फिर काय का ब्राह्मण. और ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण दीक्षा हो गई तो आप ब्राह्मण बन गए, नहीं है ना. ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए, इनिशिएशन मतलब शुरुआत ब्राह्मण बनने की.
स्नान करना, जप करना, ये सब जरूरी है, एकादशी करना। तो प्रभु जी भूख लग जाती है, तो कम से कम सवेरे 9 बजे तक सहना चाहिए, उसके बाद तो मिलता ही ना, डेली मिलता है, डेली खाते हैं भरपेट, तो इतना खाना चाहिए। बीमार है तो अलग बात है, लेकिन हर दिन बीमार नहीं होते, उठना चाहिए, है ना। थोड़ा इंद्रिय संयम करना चाहिए, और ध्यान रखिए जब व्यक्ति तप करता है तो उसको उसका ज्ञान टिका रहता है, नोट इट डाउन, उसका जो ज्ञान है वह टिका रहता है। अगर तप नहीं कर रहा है तो ज्ञान क्या हो जाएगा? आप बहुत कुछ सीख के गए थे, सीख के गए थे, टिका हुआ है, तपस्या ही छोड़ दिया, प्रोजेक्ट तो टिकेगा क्या, समझ रहे हैं? तो और ज्ञान टिका रहेगा तब तो वह दूसरों को ज्ञान दे पाएगा। जब हम खुद ही तप नहीं कर रहे हैं और बहुत बड़ी तपस्या करने के लिए दूसरों को बोल रहे, तो नहीं हो पाएगा। सुबह हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए बोला गया है तो फिर खुद ही हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित होगा, हम खुद ही नहीं कर रहे तो हृदय में ज्ञान प्रकाशित नहीं हो रहा, तो दूसरों को कहाँ से देंगे? खुद ही रजोगुण तमोगुण में कन्फ्यूज रहूंगा तो दूसरों को क्या बता पाऊंगा? जब मैं खुद ही वस्तुओं को वास्तविक रूप से नहीं देख पाऊंगा तो मैं दूसरों को क्या बताऊंगा? तो इसलिए तपस्या करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नित्याय गुरु परमानंद हरि की बोल। चेक करिए कमेंट में क्या कुछ क्वेश्चन है क्या, पहले से चेक कर लीजिएगा। आई कैन रीड रीड हिंदी लैंग्वेज, अदर आई कांट, कि आई कैन, आई वुड हैव रीड लाइक एवरीवन एल्स। मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं। जब कंबल से बाहर निकलते हैं तो लगता है जैसे पहाड़ तोड़ दिए। गुड, पहाड़ तोड़ दिया। ओके, मुझे कैसे कपड़े पहनने उस टाइम हमको नहीं पता था, मैं समझा नहीं पा। ओके, बात है जिस इसलिए तो माता जी चिट्टी वर्षिप नहीं करते हैं, लेकिन आप घर पे हैं तो फोटोज कर रहे हैं तो साड़ी जनरली पहनते हैं। मेरे घर पे ऐसे लोग हैं जो 3 दिन में एक बार नहाते होंगे। माधवी प्रभु जी ये बोल के कितने बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं 3 डेज में एक बार स्वेटर धोती हूँ। हाँ ठीक है, ओके प्रभु जी, आज कल तो अधिकतर लोग पापी है, महापापी। ओके ठीक है, रहने दो प्रभु जी। यहाँ भी ये औरत मर गई है जो आपके हाथ से माला ली थी। गुड, अरे हाथ से माला लिया तो उसे कोई मतलब नहीं, जब कर रही है तेरी की नहीं, ये देखो जब कर रहा था तो फिर जरूर भगवत दाब जाएगी, ठीक है। अंकित माता जी ये भी ये वाला अधिकतर लोग बोलते हैं जिनको प्रीच करते, पता नहीं क्या बोलते हैं। और क्या है, मन न रंगाए, हाँ रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए बकरा, ये बात दिमाग लगाया नहीं उतना। आई डोंट नो व्हाट ही वाज टेलिंग, तो वो फिर बोलने लगे हमसे इतना आसानी से नहीं सकिएगा। मैं बोला अच्छा, मैं सकना भी नहीं है। आप लोग खतरों से मत खेलिएगा, ठीक है। कुछ कुछ लोग खतरों से खेलते हैं। आज नेहा रामपाल माता जी कोई खतरा से खेल के आई है, मेरे को मैसेज कर दिए। कई लोग ये लोग खतरों से खेल लेती है और मुझे मैसेज करती है, प्रभु जी मैंने ये कर दिया। जनरली वो सोनाक्षी माता जी भी कुछ कुछ कभी कभी खतरों से खेलती है, सी यूज्ड टू मैसेज। मल्लिका माता जी वो भी कभी कभी कुछ कर देती है, मेरे को मैसेज करती है। सो मैनी डिवोटीज आर मैसेजिंग मी, खतरों से खेल, खतरों का खिलाड़ी मत बनिए भाई, मत बनिए, ठीक है, डोंट बी खतरों का खिलाड़ी। ये अच्छा है, मन न रंगाए, मन न रंगाए, रंगाए जो कि कपड़ा, अच्छा अच्छा है, दढ़िया बढ़ाए जो कि बन गए बकरा, मतलब मन रंगा नहीं, कपड़ा रंगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, लेकिन मन नहीं रंगा तो बन गए बकरा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट है, गुड। ओके माता जी प्रश्न भेजो मुझे। एक बार हम प्रचार के लिए यहाँ गए थे, एक बूढ़े आदमी तो बोले बूढ़े आदमी को तो मत प्रचार करिए भाई, क्योंकि ओल्ड बेम्बूस, व्हाट ओल्ड बेम्बूस, हाँ पुराना बांस जो होता है ना, वो कभी बांस नहीं हो, वो बैंड नहीं हो सकता, समझ रहे, ओल्ड बेम्बूस नेवर फोल्ड, ठीक है, मत जाइए। पोता पोते को प्रोजी कभी कभी डाउट हो जाता है, उसे कैसे दूर करें, कौन सा डाउट हो जाता है? आस्क में प्रभु जी, गुरु और भगवान में पूरा शरणागति कैसे ला सकता हूँ खुद में? गुड, अच्छा है, वेरी गुड।
गुरु और भगवान में कैसे शरणागति ला सकते हैं सुन करके। सर्वनम क्या वो श्लोक है, भगवान के विषय में इतना सुन रहे हैं तो भगवान में हो जाता है, और गुरु में, गुरु के विषय में भगवान बताते हैं, भगवान के विषय में गुरु बताते हैं, गुरु के विषय में क्या कहा भगवान। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उसके बाद उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शना। तद विद्धि प्रणिपाते न, गुरु के पास जाओ तो खड़ा मत रहो और प्रभु जी आए हरे कृष्णा आ गया मैं नहीं दंडवत करो। 8.34 गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना, तो एक दूसरे का ये कर रहे, ठीक है माता जी। बस श्रवणम प्रोजी, जब कभी बाहर हो ट्रेन पे या कहीं किसी और के घर पे हो तो मंगला आरती कैसे करें, ऑनलाइन अटेंड करिए। प्रोजी मुझे भी एक दिन टोकना पड़ेगा, एक सुबह दुकान वाला है वो बोलता है शुभम तुलसी माला पहन लिया भेज खाते हो पता नहीं, मैं बोलूँगा चलो आप वृंदावन छोड़ के आता हूँ, समझ नहीं पाया मैं क्या बोल रहे हैं। हम तो बूढ़े लोग से दूर ही रहते हैं, वो लोग हमारी भक्ति छुड़ा देंगे, यस बेटर टू स्टे अवे, ठीक है सो डोंट गो टू देम। यस कार्तिक प्रभु, आज क्लास बहुत लंबा हो गया, 8 बज गया। कार्तिक प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज़ किया। यस प्रभु बोलिए, आपसे तो मुझे भी बहुत सारे प्रश्न करने हैं कि आप हैं कहाँ पहले, ठीक है पहले आप बताइए। अच्छा आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ मैं आपको, ठीक है सो आफ्टर क्लास कॉल में। सुरक्षित बात है, राइट थिंग, अपना अलग ही ज्ञान होता है बूढ़े लोगों का, दिव्य बात है। यस आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं किशन राज, ठीक है सो नाउ वी आर स्टॉपिंग। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना, कोई प्रश्न नहीं है सो लेट्स स्टॉप द क्लास। हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंद हरि हरि।